पर्यावरणविद और पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल जोशी के नेतृत्व में प्रगति से प्रकृति पथ यात्रा का देहरादून में समापन हो गया है। 40 दिन तक चली यह यात्रा 7 राज्यों से होकर गुजरी और यात्रा के समापन के मौके पर हुए कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की और अनिल जोशी और उनकी टीम का जोरदार स्वागत किया है। अनिल जोशी को उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी मुख्यमंत्री धामी ने नवाजा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि अनिल जोशी ने अपनी यात्रा के जरिए लोगों के मन में पर्यावरण की जो चेतना जगाई है उससे उत्तराखंड का मान बढ़ा है। इस यात्रा के दौरान जो भी अनुभव सामने आए हैं निश्चित ही वो उत्तराखंड के विकास में काम करेंगे और इकोनॉमी और इकोलॉजी में संतुलन बनाते हुए विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। हमारी जो बहनें स्थानीय उत्पाद बनाती हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, क्लस्टर के माध्यम से, अन्य जो ग्रुपों के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, कि वो स्थानीय उत्पाद कुल जो धनराशि आपकी उस पूरी यात्रा में खर्च होती है उसका 5% जो है आप स्थानीय उत्पाद खरीदने में भी वो राशि खर्च करें, जिससे कि सभी को जो हमारी बहनें हैं उनको उनके प्रोत्साहन का अवसर भी हम लोगों के सामने होता है। इसके साथ साथ एक इकोनॉमी जो आर्थिकी और वो एक आधार बनती है और बहुत बड़ा प्रोत्साहन होगा। और आपके घर में अगर पहले से भी वो उत्पाद रखे हुए हैं तो भी आप खरीदिए, उन्होंने कहा।